अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ टारगेटिंग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 55। ऑन दिस पेज फाइंड वी हैव टू डू सम्स ऑफ प्लस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स मेंटली, यानी आपको जो है इनका सम मालूम करना है। अब आप कैसे मालूम करेंगे, हम क्वेश्चन लिखते हैं। इधर क्वेश्चन है हमारा ए इज़ इक्वल टू 27 प्लस 98 इज़ इक्वल टू, हमें इसका आंसर मालूम करना है। आपने इसी तरह से ये कॉपी वर्क है आपका, आप लोगों ने कॉपी पे ये सॉल्व करना है पूरा। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, और ये आपको इसमें जो है आंसर लिखना है। तो आपने किस तरह से करना है कि 27 लिखा, 98 लिखा, प्लस का साइन, उसके बाद 7 प्लस 8, तो आपने रफ कॉलम बनाना है यहाँ पर। अब आपका यहाँ क्या है 7, तो 7 लाइंस आपने 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस आपने ड्रॉ कर दी। नीचे क्या है 8, आपने 8 लाइंस ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अब आप इन सबको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 7 प्लस 8 आपका क्या आंसर आया 15। तो 5 आपने यहाँ लिख दिया, 1 आपने ऊपर लिख दिया। अब इन तीनों को जो है आपने प्लस कर देना है, यानी हमारे पास क्या है, पहले 1 है, फिर 2 है ये वाला, और फिर क्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका इधर आंसर क्या आ गया 12। आपने यहाँ लिख दिया 1 2 5, और फिर इधर आपने आंसर पुट कर दिया, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से आपने यहाँ जो है आंसर लिख देना है। आंसर हमारा क्या आया है 1 2 5, ठीक है। अब आपने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम इसी मेथड से करने हैं जैसे मैंने अभी समझाया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो समझा रही हूँ। इसमें आपको डिफरेंस मालूम करना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 38 माइनस 15 दिया हुआ है। आपने सेम वही प्रोसेस करना है, इस तरह से लिख दिया 38 माइनस 15। यहाँ आपने बना दिया रफ कॉलम, रफ वर्क का RW यानी रफ वर्क, 8 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 को कैंसिल आउट करना है, यानी 1 2 3 4 5, यानी आपने 5 कैंसिल आउट कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितने हैं 1 2 3, तो आपने यहाँ लिख दिया 3। 3 में से 1 करना है, 1 2 3, 3 में से 1 कैंसिल कर दिया, तो कितने बचे 2, हमने यहाँ लिख दिया 2, और हमारा आंसर आ गया 23। तो हमने जो है यहाँ पर आंसर लिख दिया 23, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये पूरा पेज जो है ये कॉपी में करना है सेम इसी तरह, और बुक में इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा पेज नंबर 55 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।